इस वीडियो में हम आपको उन प्रोडक्ट से रूबरू करवाएंगे जिनका आविष्कार यानी इन्वेंशन एक्सीडेंटल था। कोका कोला, आपका, मेरा और इंडिया में बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट ड्रिंक है, पर क्या आपको पता है कि कोका कोला का इन्वेंशन मॉर्फीन यानी अफीम के एडिक्शन के इलाज के लिए किया गया था। पार्ट बिजनेसमैन, पार्ट फार्मासिस्ट और केमिस्ट जॉन स्मिथ पेम्बर्टन अगर सिविल वॉर के दौरान घायल ना हुए होते तो वो कभी मॉर्फीन के एडिक्ट नहीं होते और फिर एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला का जन्म भी ना होता। अपनी इस एडिक्शन को दूर करने के लिए जॉन स्मिथ ने वाइन और कोका लीव्स के एक्सट्रैक्ट से सिरप बनाया, जिसमें इवेंचुअली कुछ बदलाव किए गए और ऐसे हुआ हमारे कोका कोला का आविष्कार। आइए सुनते हैं अपनी दूसरी इंटरेस्टिंग कहानी। जॉर्ज क्रम, जो कि एक शेफ थे मून्स लेक हाउस लॉज में, उनका सामना हुआ जी एक अजीब ग्राहक से, जिसके अनुसार क्रम मून के पोटैटो फ्राइज बहुत ही मोटे, बेस्वाद और सॉगी यानी कि गीले हुए थे और वो चाहता था कि उसे बदल दिया जाए। जॉर्ज क्रम को आलोचना हजम नहीं हुई और उन्होंने डिसाइड किया कि उस ग्राहक को सबक सिखाया जाए। क्रम ने पोटैटो स्लाइसेस को बेहद ही पतला किया और तब तक फ्राई किया जब तक वो क्रिस्पी नहीं हो गए और साथ ही बहुत सारा नमक ऐड कर दिया। आश्चर्यचकित कर देने वाली बात ये थी कि इस बार ग्राहक को फ्राइज बहुत ही ज्यादा पसंद आए, जो कि अब चिप्स बन चुके थे, और बहुत ही जल्द ये खबर हर तरफ फैल गई और इस तरह से हुआ था हमारे फेवरेट पोटैटो चिप्स का आविष्कार। आइसक्रीम, यू स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, ये तो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। मेरा फेवरेट फ्लेवर है चॉकलेट, आपका कौन सा है? पर क्या आपको पता है वॉफल कोन भी एक एक्सीडेंटल इन्वेंशन था? 1904 में सेंट लुई मिजूरी में जब आइसक्रीम वेंडर अर्नोल्ड फॉरनाशो के पास पेपर कप खत्म हो गए थे, तब उनकी मदद के लिए वॉफल वेंटर अर्नेस्ट हैमवी आगे आए और उन्होंने वॉफल्स को रोल करके अर्नोल्ड को दिया और अर्नोल्ड ने वॉफल को यूज करते हुए आइसक्रीम बेचना शुरू किया और इस तरह मार्केट में आया वॉफल कोन। तो चलिए बात करते हैं अपने चौथे एक्सीडेंटल इन्वेंशन की, जो है एक्सरेज। आपने सोचा होगा कि एक्सरेज के इन्वेंशन में बहुत ज्यादा रिसर्च हुई होगी, पर ऐसा नहीं है। 1895 यानी 1895 में जर्मन फिजिसिस्ट विल्हेम रोइंगटन एक रूटीन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, जो कि उनका रोजमर्रा का काम था। तभी उन्होंने देखा कि पूरे कमरे में लाइट आ रही है, और कैसे आ रही थी? एक फ्लोरोसेंट कार्डबोर्ड के टुकड़े से। कैथोड एमिटर और रेडिएटेड कार्डबोर्ड के बीच में एक मोटी स्क्रीन प्लेस की गई, जिसके कारण लाइट के पार्टिकल सॉलिड ऑब्जेक्ट से पास हो रहे थे। हैरान रोइंगटन ने देखा कि इस प्रोसेस के दौरान बहुत ही शानदार इमेजेस प्रोड्यूस हो रही थी। वो ये नहीं जानते थे कि वो रेज क्या थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम एक्स रेडिएशन, जो इंडिकेट करता है अननोन नेचर को, रखा। एक्सरे से सबसे पहली एक्सरे इमेज जो रोइंगटन ने ली वो उनकी बीवी के हाथ की थी, जिसमें उनकी बोन्स और रिंग दिखी, और इस इन्वेंशन के लिए फिजिसिस्ट विल्हेम रोइंगटन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आते हैं अपने लास्ट प्रोडक्ट पे, जो है कॉर्नफ्लेक्स। किसे पता था कि अमेरिका के पसंदीदा ब्रेकफास्ट का आविष्कार भी संयोग से हुआ था? ये सब शुरू हुआ 1894 में, जब डॉक्टर जॉन हार्वी केलॉग मिशिगन के बैटल क्रीक सैनिटोरियम में सुपरिंटेंडेंट थे। वहां वो और उनके भाई विल कीथ केलॉग मरीजों को खिलाने के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों की खोज कर रहे थे। एक दिन विल कीथ ने गलती से गीला आटा बाहर छोड़ दिया और जब तक वो वापस आए वो स्टेल यानी बासी हो चुका था। इसे फेंकने के बजाय दोनों भाइयों ने इस आटे को रोलर्स के थ्रू पास किया और ये सोचा कि वो लंबी शीट में बाहर आएगा, बट इसके बजाय वो छोटे फ्लेक्स में बाहर आया। उन्होंने फ्लेक्स को टोस्ट किया, जो पेशेंट्स के साथ एक बड़ी सक्सेस रही। इस सफलता के बाद दोनों भाइयों ने दूसरे अनाजों के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया, इंक्लूडिंग कॉर्न। 1906 में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया द बैटल क्रीक टोस्टेड कॉर्न फ्लेक्स कंपनी के नाम से, बट इसे इवेंचुअली केलॉग्स कंपनी का नाम दिया गया। और अब हम सब जानते हैं कि कैसे केलॉग्स एक बहुत ही पॉपुलर कॉर्नफ्लेक्स ब्रांड है। तो ये तो थे हमारे एक्सीडेंटल इन्वेंशंस।
तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो भूलिएगा मत हमारी डिड यू नो सीरीज का अगला वीडियो देखना, जिसमें हम आपको बताएंगे भारतीय मूल के 5 ऐसे CEOs के बारे में जिनका नाम सारे विश्व में है। और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिएगा अड्डा 24/7 के YouTube चैनल को, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।